ला दे देखो। तो बच्चों कल जो है आपका सेट जो है कंप्लीट हो गया था, जो आपका ये टॉपिक्स है सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन, इसमें जो है आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। स्टार्ट करते हैं ना, बोलते हैं देखिए हम अपने जो है दैनिक जीवन में अनेक रिलेशन से अनेक संबंधों की बात करते हैं,
चाहे वो रिलेशन आपका सिस्टर ब्रदर का हो, सिस्टर ब्रदर के बीच भी एक रिलेशन है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ के बीच भी एक रिलेशन है, मदर एंड डॉटर के बीच भी एक रिलेशन है, तो इस तरह के रिलेशन में क्या रिलेशन होंगे, इस तरह के ब्लड रिलेशन, राइट। तो रिलेशन के लिए हमारे पास दो सेट्स होने चाहिए, या सेट्स कहें या एटलीस्ट दो क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि दो क्वांटिटी के बीच ही कोई ना कोई रिलेशन हम डिफाइन कर पाए, ठीक है। और जब हम मैथमेटिकली रिलेशन की बात करेंगे, इससे पहले एक चीज़ होती है जो हमें पता होना चाहिए, वो होता है हमारा कार्टेशियन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ओ टू सेट्स, टू सेट्स का हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसको हम कैसे निकालते हैं, राइट, हिंदी में बोलते हैं इसको कार्तीय गुणनफल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय गुणनफल। अब कार्तीय से एकदम आपके ध्यान में आएगा कि इसको हम जो बोलते थे, हम क्या बोलते थे इसको, कार्तीय तल बोलते थे, ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते थे, इसमें डॉट्स इनके जो कोऑर्डिनेट्स आते थे, ये कहाँ पे आते थे, हम कार्तीय तल पे आते थे। तो कार्तीय प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए अगर सिंपली नंबर की बात करें, सिंपली नंबर की अगर मिनिमल अगर मिल जाए, नंबर एंड वेरिएबल, सपोज करो टू, हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स पर, राइट, या फिर ऐसा कर सकते हैं टू और एक्स की मल्टीप्लीकेशन क्या हो, टू एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इस तरह हम कर देते हैं आपस में, क्लियर, जब पार्टी जब इसी तरह से जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम दो सेट्स की, सपोज करो लेट ए सेट एंड बी सेट, हमने दो सेट ले लिए ए एंड बी, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस, क्या होगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब ये नहीं है कि आप जो सेट ए के एलिमेंट है और सेट बी के एलिमेंट की आपस में हम मल्टीप्लीकेशन करें, इसका एलिमेंट नहीं है। लेट कंसिडर कर लो, आप कंसिडर एक सेट ए इक्वल टू, अगर हमने सपोज करो दो कलर ले लिए रेड एंड ब्लू, राइट, एक सेट हमने ले लिया बी, ठीक है, कैसा ले लिया, बी सी एच, बी सी एच। अब बी क्या है, बी हमारा दिया हुआ है बैग, ये क्या है हमारा बैग, ये क्या है कॉर्ड, और ये हमारा क्या है सब, एक सेट ए है एक सेट बी है, और हमें निकालना क्या है ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी की जो आपस में एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, इसी को ही हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, हमने इसको बोल दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रेड बी रेड सी इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करके कि हम इनको ऐसे लिखते हैं कि रेड बी रेड सी, ऐसे हम इसको नहीं लिखते हैं,
उसको करूंगा, उसका भी पैसे जाना चाहिए। जीवन एक्सपायर नहीं सोच रहे तो बता दूं कि क्या है। हां बीजी बहुत सारे करता हूं, छुट्टी पड़ गया तो मुझे हां हां वही तो ये होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर लिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनके हम पेयरिंग करें। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि आपके पास दो कलर हैं, एक रेड रेड और ब्लू कलर है। सपोज करो आपके पास रखे हुए हैं, एक बाल्टी में रेड कलर है, एक में ब्लू कलर है, आपके पास तीन कपड़े हैं, एक बैग है, कोट है, शर्ट। तो यहाँ पूछ रहा कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि रेड कलर से किस किस कपड़ों किया जा सकता है, ब्लू से कैसे किया जा सकता है, कौन सा रेड हो सकता है, कौन ब्लू हो सकता है। तो इस तरह के हमें इसकी पेयरिंग कर। अब इसकी पेयरिंग अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेड रेड किसको किया जा सकता है, रेड को किसको, बैग को भी किया जा सकता है। अब जब हम लिखेंगे कार्टेजियन प्रोडक्ट्स के जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो सारे किस्म आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। कैम आएंगे ऑर्डर्ड पेयर, इसको ये ऑर्डर पेयर इसलिए ही लिखा जाता है क्योंकि इन पर अपना ऑर्डर है। और इसको क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और दोनों के एलिमेंट अलग अलग, एक यहाँ पे लिखे जाएगा और एक यहाँ पे लिखे जाएगा, यही आपका ऑर्डर पेयर होता है। तो रेड और रेड के साथ क्या हो सकता है, रेड आपका बैग हो सकता है। रेड कलर से हम किसको कर सकते हैं, कोट को भी कर सकते हैं। रेड कलर से हम इसको कर सकते हैं, शर्ट को भी कर सकते हैं, कंडीशन ये भी है। दूसरा क्या हो सकता है कि ब्लू कलर से हम किसको कर सकते हैं, बैग को। ब्लू से और किसको कर सकते हैं, कोट को। और ब्लू कलर से और किसको कर सकते हैं, सर। राइट, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के हमारे जो है ये 6 कॉम्बिनेशन होंगे कि किसको हम कौन कौन सा कलर दे सकते हैं या उसमें कितनी तरह से हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने ऑर्डर पेयर बने, 6। इसमें कितने थे कलर, 2। इसमें कितने कपड़े थे, 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे यार, 2 × 3, यानी कि हम कह सकते हैं यदि सेट ए में एम अव्यय हो या एलिमेंट हो, ठीक है, एम एलिमेंट हो, एंड बी में कितने हो, एन एलिमेंट हो, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी विल बी एम एन, यानी कि उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो एक सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, यानी कि आपके कितने ऑर्डर पे आएंगे, या आपके 12 ऑर्डर पे आ गए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट? चलिए इसको एक दूसरे तरीके से और हम दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे कि हमारे पास रेड है, एक हमने वर्टिकल लाइन रेड कलर के लिए,
और एक वर्टिकल लाइन हमने ब्लू कलर के लिए हमने ये बरोबर ठीक है। अब हमारा जो साइड बी है, बी में हमारे पास एक पॉइंट बी हो गया, राइट, एक पॉइंट सी हो गया और एक एस हो गया, ठीक है। अगर हम इसको आगे मिला दें तो ये पॉइंट ये वाले ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, और इन ऑर्डर पेयर को हम लिखें, क्या लिखेंगे इसको, तो रेड बी, रेड सी, रेड एस, क्लियर। ये ब्लू बी, ये ब्लू सी और ये ब्लू, इन सबको हमको सेपरेट करेंगे, क्लियर। तो थोड़ा इस चीज़ का हम ध्यान रखें, इनको हम इस तरह, ये आपको इस तरह से मैथमेटिकली मैंने इसको दिखाया हूँ, ये आपको डायग्राम यानी कि एक पार्ट जो बोलते हैं पार्ट डिजिटल पार्ट पेपर के माध्यम से, तो ये आपका ऑर्डर होगा। टोटल सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के ईच एलिमेंट से जब हम उसको पेयरिंग करेंगे तो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, क्लियर है। ठीक, नोट कर लो आप इसको, राइट डाउन। एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं, ठीक है। कोई सेट ए बराबर इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो वो क्या है, तो हमारा आएगा क्या आएगा, वो सब वन एलिमेंट किसके साथ रहेंगे, बी के साथ, फिर वन एलिमेंट किसके साथ रहेंगे, बी के साथ, फिर वन एलिमेंट किसके साथ रहेंगे, सी के साथ, टू फिर ए के साथ, टू फिर बी के साथ, टू फिर सी के साथ, थ्री ए के साथ, थ्री बी के साथ और थ्री सी के साथ, क्लियर। तो ये टोटल ऑर्डर पेयर बने, इसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री, तो पार्टीज प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन नाइन, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे एलिमेंट। तो आई थिंक जो कार्टेजियन प्रोडक्ट्स है वो आपका क्लियर हो गया होगा, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। इफ एनी वन सेट इज एम्प्टी, क्या है एम्प्टी है यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन देयर
कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी विल बी पर, यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा पर। चलिए एक और डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ठीक है, क्या कह रहा, गिवन टू नॉन एंटिटी सेट पी एंड given to known empty set P and Q, the Cartesian product, the Cartesian product गिवन दिए हुए हैं दोनों नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी एंड क्रो इज द सेट, इज द सेट ओ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑर्डर्ड पेयर of element p and q such that, kaisa hoga, that is p cross q equal to p q, hamara order hoga kaisa hoga p q, such that p hoga belong to p and belong to you, right? क्या पता है? यहाँ पे देखो से एक बार। इसमें दिया हुआ है। Given to non-empty set P and Q, यानी कि P और Q दो non-empty set दिए हुए हैं। The Cartesian product P cross Q is the set of all order pair. तो जो हमारा P और Q होगा, वो set होगा किनका? सभी order pair का, ठीक है? और वो order pair में किसके element होंगे? P और Q को। तो उसको जो हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमने सेट्स को लिखने के दो तरीके बताए थे, एक तो रोस्टर या टैबुलेशन मेथड और दूसरा हमारा था सेट बिल्डर मेथड। तो उसको हम जो है सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी क्यू का हमने जो बनाया है ब्रैकेट्स में, ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है पी क्यू सच दैट। तो पी क्यू सच दैट का मतलब ये है कि जो हमारा ऑर्डर पेयर पी क्यू में है, ये है पी के जो P वाले एलिमेंट आएंगे स्मॉल P वाले, वो हमारे सेट P में से आएंगे एंड Q वाले एलिमेंट हमारे सेट Q में से आएंगे। तो आई थिंक ये हमारा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ PQ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप कैसे लिखते हैं? कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, if either p or q is the null set, then p cross q will also be empty. If either p or q is the null set कहो उसको, चाहे white set कहो या इसको empty set, राइट अभी जो बताया था,
एड टू द सेट, देन बी ऑफ टू विल ऑल्सो बी will also be empty. That is, P and cross 2 equal to 5. ठीक है, तो जैसे तुमने बी फॉर एग्जाम्पल करा था, अभी बी फॉर एग्जाम्पल में अगर P क्रॉस Q निकाल लें वहाँ पे सेट थी, एक सेट आपका वो था रेड 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 और रेड सर्ड ब्लू बैड ब्लू और ठीक है, ये ऑर्डर पेयर का हमारा एक सेट हो गया। तो ये हमारा सेट पी क्रॉस क्यू का मैप और रीजन प्रो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कुछ भी ए बी सेट करो। हमारे पास एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट आपके ए बी सी है। एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट हमारे 1 2 3 है। इसके लिए क्या करें, अगर एक हम इस तरह से बनाए, आप एक ए बी एक वर्टिकल लाइन ए के लिए, बी के लिए सी के लिए, लाइन बी लाइन सी के लिए, बी के लिए 1.1 1.2 और 1.3 इन दोनों को मिला दो, ठीक है। तो ये जितने भी इसके कोऑर्डिनेट कह लो आप, एक तरह से ये क्या होंगे, एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट, जैसे ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, यहाँ मैं 1 2 3 और लिखा, इधर हमने -1 -2 -3 रैंडम भी 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 इस तरह लिखते चले जाते हैं। अब सपोज करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक ऑर्डर को पेयर दे दिया 3 2 3, ये कोऑर्डिनेट दे दिए, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स को हम कितना चलेंगे, राइट, वाई पे कितना चलेंगे, ये है 2 और ये दोनों जहां मिल जाएंगे ये हमारा 2 और 3 हो जाएगा। इसी तरह से ये एक्स पे ए बी सी दिखा दिया हमने, वाई पे ये दिखा दिए, ये एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। जैसे ये ऑर्डर पेयर क्या होगा, A1 A2 A3 ये कितना होगा B1 ये C1, तो इस तरह से हम इनको ऑर्डर किया हम बना, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, ये A1 है और ये A2 है, एक दूसरा सेट है पॉइंट B1 B2 B3 और B4 है, इनको आपस में मिलाएंगे, इस तरह के जितने भी पॉइंट आए ये सारे आपके क्या है, ऑर्डर पेयर, ठीक है। एक तरह से इनकी हम एक और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं हम सिंपल ये हमने क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ रहे हैं। अगर हम करें कि 4 4 × 3 करते हैं, क्या आता है 12 आता है, 12 कैसे आता है, अगर हम देखें इसको, हम क्या करते हैं कि वर्टिकल 4 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और 3 हॉरिजेंटल पास कर देंगे इनको, होगी ठीक है। अब कितने डॉट्स पे इन्होंने काटा है, कितनी जगह कट किया है दूसरे को, 12, तो इनकी ये मल्टीप्लीकेशन आ जाती। इसी तरह जितने भी ऑर्डर भी है, किसी भी साइड की जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको इस तरह से लिखेंगे वर्टिकल लाइन के रूप में, उनके द्वारा प्रोजेक्ट करेंगे, और जो साइड बी है उनके द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या करती हैं, इंटरसेक्शन
वो सारे उनके ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। कर लिया नोट। चलिए क्योंकि अगर कार्टेजियन प्रोडक्ट आपके समझ में नहीं आया तो समझिए कि रिलेशन नहीं समझ में आया, और रिलेशन समझ में नहीं आ रहा तो आपके समझ में ना तो फंक्शन आएगा और ना ही आगे आपकी मैथ कर पाऊंगा। तो रिलेशन, और रिलेशन में भी आपको सेट फिल्टर फॉर्म अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कार्टेजियन प्रोडक्ट को सेट फिल्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इन ए सेट फिल्टर फॉर्म द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, टू ऑर्डर पेयर। क्या ध्यान रखना आपको, टू ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे इफ एंड ओनली, केवल तभी इक्वल होंगे यदि फर्स्ट एलिमेंट इफ द कॉरस्पॉन्डिंग इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ, राइट। यानी जैसे यहाँ पे समझाया ऐसी दो जो ऑर्डर पेयर हैं वो तभी इक्वल होंगे यदि उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट इक्वल है। मीन्स कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट के बराबर, फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लेते हैं या ठीक है। एक और है, इफ देयर आर पी एलिमेंट इन ए एंड क्यू एलिमेंट इन बी, बता ही चुके हैं हम आपको, ठीक है। यानी कि एक सेट में पी एलिमेंट है, दूसरे में क्यू एलिमेंट है, तो जो कार्टेजियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, पी क्यू हो। अब एक चीज और है, अगर आपके पास दो सेट हैं ए और, अगर इन दोनों में से कोई एक, कोई एक क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा या कार्टेजियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पाई होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक सेट क्या है, इनफाइनाइट, कैसा सेट है, इनफाइनाइट है, तब भी इनका जो कार्टेजियन प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। फिर है, अभी हम एक चीज और देखो, आप हम पढ़ रहे थे ऑर्डर
क्या पढ़ रहे थे? ऑर्डर पेयर, पेयर का मीन्स होता है जोड़ा, और जोड़ा किसका बनता है? दो का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इस तरह का प्रोडक्ट आ जाए, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट आए, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कैसे भी लिख सकते हैं बराबर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इस तरह का। ठीक है, ए बी सी बिलोंग टू ए, राइट, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड करेंगे इसको हम? इसको करेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको? ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि पेयर की जगह आपका क्या आ गया? ट्रिपलेट आ गया, क्योंकि इसमें तीन आ गए, थ्री आ गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल्स एंड द सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। अर्थात अगर किसी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का भी सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप क्लियर करोगे कि ऑर्डर पेयर में कोई नंबर मिस है, कोई वेरिएबल दे दिया उसकी जगह और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल वन दिया हुआ है, इफ इफ एक्स प्लस वन कोमा वाई माइनस टू इक्वल टू थ्री एंड वन। क्या दिया हुआ? थ्री एंड वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू निकालनी एक्स और वाई। बस यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हमें जो है क्या करेंगे, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम उनके कंपेयर करेंगे, उनको एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं? एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री और वाई माइनस टू इक्वल टू, ये इक्वेशन बनेगी दोनों। फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, और सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा? y इक्वल टू वन प्लस टू, दैट इज थ्री। तो x की वैल्यू टू है, x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू, राइट। ये कब निकालना है? जब हमें पता है टू ऑर्डर पेयर r इक्वल इफ आर इक्वल इफ द कॉरस्पेंडिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, उस क्वेश्चन कर लेते हैं। दो साइड दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? सी इक्वल टू ए बी सी एंड यू इक्वल टू एक सेट आर दिया हुआ जिसमें सिंगल एलिमेंट आ रहा है। कह रहा फाइंड पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी। तो जब पी क्रॉस क्यू निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? ऐसे लिख सकते हैं इसको, P क्रॉस Q इक्वल टू ए आर, राइट, बी आर और सी आर।
ठीक है यार, एलिमेंट इसके ऑर्डर पे रहा है। अब अगर हम क्यू इंटू क्या निकाल लें, पी, क्या होगा आर इंटू ए आर कोमा बी आर कोमा सी, ठीक है, इज बोथ आर इक्वल और बताइए क्या दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, इसका सेकंड आर है, इसका फर्स्ट आर है और इसका सेकंड है, क्योंकि इनमें ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये ऑर्डर क्लियर आ रही नोट से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू 3 and 4 एंड सी इक्वल टू 4, 5। सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4, 5, 6। क्या पूछा है, कुछ वैल्यूज पूछ रहा है और बस हम फोर्थ ही कर लेते हैं लास्ट मोटिव का। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, राइट, ये निकालना। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे कि ए क्रॉस सी दोनों के जो सेट्स बनेंगे उनमें हम क्या करेंगे, उन दोनों का हम क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी, राइट, ए क्रॉस बी, ए ये है और बी हमारा ये है, इसका जो हम अगर निकाले इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे, 1, 3, 1, 4, राइट, फिर 2, 3, 2, 4, फिर आएगा आपका 3, 3 और 3, 4, क्लियर है। हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, ठीक है, ए क्रॉस सी के साथ क्या बनेगा, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4 3, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 6 हमारा टोटल ऑर्डर क्लियर बने, 3, 3, 9, 3, 3, 9 और 3, 2, 6, 6 हो गए। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का यूनियन, हम क्या निकालेंगे, यूनियन, यूनियन का मतलब इसमें एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले 1, 3, 1, 3 तो इसमें है नहीं, चलो यूनियन लिखना शुरू करते हैं, 1, 3 अगर रिपीट नहीं है, 1, 4 ये रहा कैंसिल, 2, 3 नहीं है तो लिख लो, 2, 4 ये रहा तो कैंसिल कर दो, ये भी लिख लिया, फिर आता है 3, 3, 3, 3 आपका दिक्कत नहीं है और तो 3, 3 लिख लेते हैं, फिर आता है आपका 3, 4 ये रहा तो कैंसिल कर दो, 3, 4 भी लिख लिया। अब यहाँ से क्या बचा आपका, 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6 और 3, 5, 3, 5, ये हमारा जो है यूनियन आ गया, यूनियन जो हमारा बना 1, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 3, 1, 3, 1, 4,
1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6 क्लियर है? देखो उसको राइट डाउन करो, इस तरह से हम इसके अपना जो है क्रॉस प्रोडक्ट हम इनका निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह करते जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है कि ये समझ में ना आए, डेफिनेटली ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक एरिया पे वो कर रहे हैं, सेट हो रहा है। इफ पी इक्वल टू वन, क्या है पी इक्वल टू वन टू, एक सेट किया हुआ है। ठीक है, फॉर्म द सेट, फॉर्म द सेट पी, ये हमें एक ऑर्डर टेम्पलेट बनाना है, लगभग ऑर्डर टेम्पलेट आएंगे हमारे। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम वन 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 इसको तीन बार लिख लें, तभी तो पेयरिंग कर पाएंगे। सबसे पहले इन सब के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट वन वन क्लियर है, फिर पहले दो के फर्स्ट और उसका सेकंड क्लियर है। तो क्या देंगे, पहले ये हो गया, अब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला। ठीक है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, फिर दूसरा और फिर एक दूसरा आएगा, पहले का दूसरा, इसका दूसरा और इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला और इसका भी पहला, और फिर दूसरा पहला और क्लियर। एक दो तीन चार पाँच छः सात बन गया आपके, वन 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 टू वन टू वन वन टू फिर थोड़ा एक एग्जांपल में कह रहा है, अगर आर है सेट ऑफ, सेट ऑफ कैसा है वो, रियल नंबर, व्हाट आर द कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एंड आर,
ये कह रहा है तो फैट हो जैसे पूरे सारे जितने भी रियल नंबर है क्या हम उनको इस तरह लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा है जो टेबल रखा है टेबल पहुँच गई है या उसको रोस्टर रखा गई है क्या हम इस तरह से पॉसिबल है अगर सेट ऑफ ये नंबर है बताइए यार मुझे पॉसिबल है तो पॉसिबल नहीं आई है ना तब ये कह रहा सेट ऑफ रियल नंबर तो आर क्रॉस आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता आर और एक कार्टेशियन ट्रायंगल ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम तो लिख तो सकते हैं वैसे या हम इसको ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म में कर देंगे तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं आर क्रॉस आर इक्वल टू क्या आएगा ये हमारा होगा एक सेट होगा इसके ऑर्डर पेयर एक्स वाई होंगे सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर कहाँ से बिलोंग करेंगे हमारे आर वेक्टर इसी तरह से आर क्रॉस आर इक्वल टू ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू और ये जो सेट है ये और ये हमारा ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट ऑल कॉर्डिनेट्स represent the coordinate of all points in two dimensions इसमें two dimensional plane है इस तरह का उसमें जितने भी points होंगे तो ये represent represent the coordinate of all points in two dimensions represent the coordinate of all points in two dimensional plane ठीक है और ये represent करता है ये represent करता है represent the coordinate of all points represent the coordinate of all points in two sorry ये कितना आएगा थ्री डायमेंशन कितना रिप्रेजेंट करते हैं वो थ्री डायमेंशन ठीक है
Have you right? Okay. है ए पी ए क्रॉस बी इक्वल ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई राइट फाइंड ए बी क्या फाइंड करना हमें ए एंड अंडरस्टैंड। चलिए देखिए जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया है जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट सेट के होते हैं और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड सेट के। तो यहाँ पे जो एलिमेंट अगर हम देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए एंड बी राइट और सेकंड एलिमेंट क्या है एक्स एंड वाई। तो डेफिनेटली जो सेट ए होगा वो क्या होगा आपका ए बी ठीक है और जो सेट बी होगा वो हमारा क्या होगा एक्स एंड क्लियर है। क्वेश्चन हो करते हैं क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू वन B equal to 1, 2, 3 and 4, C equal to 5 and 6, D equal to 5, 3, 4, 9, ठीक है। तो ये कह रहा है फर्स्ट क्या शुरू करना है हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी रिपोर्ट कुछ इस तरह रहा है सेकेंड A cross C is a subset is a subset of B cross ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है
देख लीजिए इसको, चार साइड्स दिए हुए हैं ए बी सी और डी, राइट। और ये जो है ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये ऊपर आ रहा है, और ए क्रॉस सी की ये सबसेट होगी क्रॉस। ठीक है, देखिए जो भी वैल्यू दी गई पहले फाइंड आउट करें हम। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कर रहे हैं हम, उस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। निकालते हैं बे इंटरसेक्शन सी, तो बे इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा बताइए, 1 2 3 4 5 और सी है 5 और 6, तो बे इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। ठीक है, और हमें तो ए क्रॉस क्या निकालना हमें, फाई, और क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी सेट का अगर कोई एम्प्टी सेट है आइदर और, ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक सेट क्या है एम्प्टी सेट है, अब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है फाई। ठीक है, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड हमारी फाई है। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या है हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया ए क्रॉस डी। अब क्या निकालते हैं ए क्रॉस सी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, ए और सी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दोनों का निकालेंगे क्या निकलेगा 1 5 1 6 2 5 2 6, क्लियर। ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना, नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब आप ये देखिए क्या इनमें कोई ऑर्डर पेयर, क्या इनमें कोई ऑर्डर पेयर कॉमन है, देयर इज नो वन ऑर्डर पेयर इज कॉमन, अगर कुछ चीज कॉमन है वो है फाइव, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड हम यहाँ पे करते हैं, हमें प्रूव करना है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस सी निकाला हुआ है हमने, ये रहा 1 5 1 5 1 6 2 5, क्या निकालना है बी क्रॉस डी, बी का क्या होगा 1 5 1 6 1 7, ठीक है।
ये अगर इसका सबसेट है तो ये सारे ऑर्डर क्लियर इसके अंदर होने चाहिए। 15 0 16 है, बाकी तो सेट बचा हुआ पड़ा है। तो हिंस ए क्रॉस सी ये सबसेट है बी क्रॉस, ओके। ये कुछ प्रैक्टिस घर पर करना जा करके। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने कहा था टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर दैट इज जेस इक्वल और सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इक्वल टू फाइव अपॉन थ्री इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वन अपॉन थ्री सेकेंड, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? टू अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स इक्वल टू टू। तो कैसे करेंगे? y इक्वल टू वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री दैट इज थ्री अपॉन थ्री कैंसिल तो वन आया, y इक्वल टू वन एंड x इक्वल टू टू आर द वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन है दैट ए बराबर वन टू थ्री, दैट ए बराबर वन एंड टू, राइट, एंड बी इक्वल टू थ्री फोर। बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? थ्री और फोर, राइट। ए क्रॉस बी, चलो ए क्रॉस बी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? यानी पहले ए क्रॉस बी लिख करेंगे, ए क्रॉस बी क्या आएगा? वन थ्री कॉमा
1 4 4 3 2। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया इसका, एक रोज। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है या जो नंबर ऑफ ऑर्डर कलर्ड है वो कितने हैं, दीज आर फोर। ठीक है, अगर हमें पता है वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ देयर इज एम नंबर, एम नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इन ए सेट, देन द नंबर ऑफ सबसेट आर पावर। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4। सो द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर 2 की पावर 4। दैट इज बिल्कुल आपको जो है रिलेशंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है प्रेजेंट रहे। ओके, आपको कुछ होमवर्क है इसमें। एक तो जो आपको सेट पढ़ाए गए, वेन डायग्राम पढ़ाया गया है, ठीक है, और कुछ ला पढ़ाए गए, ला पढ़ाए गए हैं, चाहे वो फाई का ला हो, यूनियन का ला हो, या आप कह सकते हैं डी मॉर्गन्स ला हो, ठीक है, एटसेट्रा जो है वो, प्लस आपका जो कार्टेजियन प्रोडक्ट है, क्या है, कार्टेजियन प्रोडक्ट, इनको सबका जो है रिवीजन कर लो, क्योंकि रिलेशन में यही की जाने वाली है। ठीक है, ओके।